अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप मुझे जानते हो, मैं कादर भाई के साथ एक नया वीडियो से फिर से आया हूं आपकी खिदमत में। आज हम बात कर रहे हैं कि एड ओ आपकी गाड़ी में या इंजन का कोई भी हिस्सा हो, गाड़ी का कोई भी हिस्सा हो, उसको किस तरह साफ़ कर सकते हो, वो भी आसानी से और कम खर्चे में बग़ैर खोले। तो आज हम इसको साफ़ कर रहे हैं कि किस तरह इसको साफ़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा एक सर्फ़ और सादा पानी, कोई भी मिनरल वाटर हो, कोई भी सादा पानी हो, तो इसमें एक इस तरह का कोई भी एक सुराख कर दो ढक्कन में। तो उसके बाद आप इसको सादे पानी से पहले इसको गीला कर दो। इसमें थोड़ा सा सर्फ डालें, सर्फ डालने के बाद इसमें सर्फ को पूरा सा मिक्स कर दो, जार बन जाएगा। तो इसके बाद इसको इस तरह एक ब्रश होना चाहिए आपके पास, इसको मुकम्मल धुलाई कर दो इसके साथ। और अगर आपके पास ऐसा थार वाला ब्रश है तो थार ब्रश से भी हल्का सा इसको रगड़ा ही दो तो और ज़्यादा साफ हो जाएगा। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि मैं उसको साफ़ किया, तो इसको साफ़ कर जितना भी रगड़ा ही दोगे उतना ही साफ़ होएगा। मैं आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ, घर पे बैठ कर के भी कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ और सिर्फ तीन दफ़ा करना पड़ता है। अभी आपने एक दफ़ा कर दिया है, तो अभी इसको मैं दोबारा एक बार ब्रश लगा देता हूँ और इसका मैं आपको बिल्कुल सफाई करके दिखा दूँगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी लाजमी दबाएं ताकि आपके पास ऐसे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो मैं इसको दोबारा एक बार पानी लगा दूँगा। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके में चमक जो है, तो इस तरह आप मुकम्मल गाड़ी को भी साफ़ कर सकते हो। और जो आपकी गाड़ी का कहीं पर भी थोड़ा बहुत जंग हो तो उसको साफ़ किस तरह आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आप देखते हो इसको बिल्कुल चमक आ गया। तो इसका आप कहीं पे भी अगर थोड़ा बहुत भी दंग हो, कोई भी हो, आप इसको इस तरह आसानी से साफ़ कर सकते हो घर बैठे। कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। सिर्फ एक सर्फ का और सादा पानी की ज़रूरत है और दो ब्रश, एक चार ब्रश, एक सादा ब्रश।
तो उसे आप आसानी से साफ कर सकते हो।